की वीडियो में जनाब हमारे साथ है माशाल्लाह जी अब्दुलरहमान, तो आना भाई ना की ना है अब्दुलरहमान माशाल्लाह जी, दोनों अब्दुलरहमान हमारे साथ आज की वीडियो में। वाह यार यहाँ पे क्या ही खूबसूरत नज़ारा है जी माशाल्लाह। बड़ी छेटी वापस लाए उन्होंने डंगर, पानी पुनी डाया लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं जी अपने चैनल ज़िया अहमद अवान पर। तो आज का नया व्लॉग जनाब करते हैं शुरू। मेरे साथ में वहाँ पे कुछ दोस्त भी हैं, अब्दुलरहमान और दूसरा लड़का भी एक। पानी छेड़ दिता लो है वो? नहीं यार उसे डर लग रहा थली हां, मैं ना डुबण दे इथे ते ओ फिर चढ़ने आ ओ बच्चे ओ पता नहीं के अजना फ्ला आया पर पता है जो पीनी नहीं जी नहीं जी लेकिन बच्चे हैं ते जो पिछो पानी आया। तो आज की वीडियो में जनाब हमारे साथ है माशाल्लाह जी अब्दुलरहमान, तो आना भाई ना की ना है अब्दुलरहमान माशाल्लाह जी, दोनों अब्दुलरहमान हमारे साथ आज की वीडियो में। आज हम जनाब यहां पे पहुंचे हैं जी, एक नहर है और अभी स्टार्ट हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता से पानी इसमें छोड़ दिया गया है। ढिली नहर इन कहते हैं पंजाबी जी, ढिली नहर। ये नहर जो है ना पीछे से सियालकोट हेडबराला के मुकाम से निकलती है और अभी यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में ढिली के मुकाम पे खड़े हैं और यहाँ पे जनाब इसका ये व्यू आपके साथ हम अभी शेयर कर रहे हैं। चलिए फिर चले है? भाई ने उधर ही करना हो जो राम ना ला लो राम ना ला जो राम ना ली है वही कह रहे हैं भाई ये तीनों मूर्ख वाला माहौल मिल गया ये तो दी ऐसे बह के नाम पकड़ हैं ऐसे डूंगा ना तो ऐसे डीप पे थोड़ा इतना ज्यादा नहीं लेकिन है डीप ये बड़े ही सीन है। हां बंद हो गया? बंद क्यों है? नहीं नहीं चलता पे स्क्रीन पे सही भी आप हो नहीं। हां तन नहीं पता चल गया बंद हो गया 12 स्क्रीन बंद हुई। अच्छा वाह यार यहाँ पे क्या ही खूबसूरत नज़ारा है जी माशाल्लाह। तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले भी मैं यहाँ पे आया था, उस टाइम पानी जो है ना अभी चल नहीं रहा था, अभी तो पीछे से पानी उन्होंने छोड़ दिया है तो अभी पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा है।
और वैसे भी आगे गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी के मौसम में ये नहर फुल जो है ना पानी से भर जाती है और बहुत ज़ोरों शोर से यहाँ से पानी जनाब गुजरता है और यहाँ पे आके लड़के जो है ना अक्सर नहाते हैं। यहाँ पे हमारा ड्रोन भी पड़ा हुआ है, अभी आपके साथ यहाँ पर ड्रोन व्यू अभी शेयर करेंगे। खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अभी जुमा का टाइम है, थोड़ा सा लंच करेंगे, उसके बाद जुमा की नमाज पढ़ने के बाद फिर दोबारा वापस आएंगे। तो अभी थोड़ा सा ना लंच करती हैं। मछियां भी नजर ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਚਟਨੀ ਐ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਆਪੇ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਜੁਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਨੀ ਦੋ ਗਲਾਸ ਕੜਾ ਡੰਗਰ ਰੱਜ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦੀ ਪਾ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਬਈ जुम्मा से हम थोड़े से लेट हो गए हैं, जल्दी से वजू करके तो रल जाते हैं जुम्मात में। तो माशाल्लाह जी नमाज़े जुम्मा से हम फारग हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने और लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए ऐसी जो जगहें हैं ना, ये अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, यहाँ पर छोटे छोटे कैफ्टेरियाज़ बनाए जाएँ और यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम हो और छोटे छोटे यहाँ पर पार्क बनाए जाएँ, जिससे एक तो टूरिज़्म को प्रमोट मिलेगा, दूसरा जो यहाँ पर मकामी लोग हैं उनको रोज़गार के मौके भी मिल सकते हैं। बहरहाल ये वक्त की ज़रूरत है कि छोटे छोटे इकदाम को करके तो यहाँ से बहुत से लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है और लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए और सैर व सियाहत के लिए ये जगहें जो है ना अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मतलब ये वाली नहर सियालकोट के हेडमराला के मकाम से निकलती है और आगे मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कहां तक ही जाती है, मतलब इस नहर के ऊपर मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में इस तरह के ब्रिज बने होंगे। तो यहां पर भी मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पर इस तरह के ब्रिज बने हुए हैं। तो अगर इन जगहों पर थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाए जाएं, कैफ्टेरियाज़ बनाए जाएं, लोगों की एंटरटेनमेंट का सामान किया जाए, जिससे ना सिर्फ टूरिज़्म को प्रमोट मिल सकता है बल्कि जो मकामी सतह पर यहाँ के जो
इर्द गिर्द के लोग हैं उनको रोज़गार के मौके भी मुहैया किए जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर हम लोग अपनी मदद आपके तहत भी ऐसे अगर हम इकदाम करें तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलते रहें। हम विलेज लाइफ के रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सख्त रखिएगा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।